हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं क्लैश ऑफ क्लांस की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में, जिससे आप जो अपने बेस के अपग्रेडिंग प्रोसेस है ना, उसको आप थोड़ा एनहेंस कर सकते हो इन 5 टिप्स से। इस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। ओके, ये वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी DMs आते हैं मुझे, काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए हैं कि जो हम अपना बेस अपग्रेड करते हैं तो उस बेस के अंदर या तो वॉल्स रह जाती हैं, या तो डिफेंसेस कुछ रह जाते हैं, या तो हमारे ट्रैप्स रह जाते हैं, या तो हमारे हीरोज रह जाते हैं, तो मैक्स लेवल कभी हो नहीं पाता पूरा का पूरा। और बेसिकली ये जो पूरी की पूरी मैं वीडियो बना रही हूँ, बिगनर्स के लिए, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खेले हैं या फिर जिनके दो दो तीन तीन अकाउंट्स हैं, वो लोग देख रहे हैं तो वो लोग तो उनको पता ही होगा ये सब। जिन्होंने पहली बार अपना बेस बनाया उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, और जिनका रश्ड बेस है ये उनके लिए वीडियो है पूरी की पूरी, ठीक है। तो सबसे पहले होती है लैब, आपके आर्मी कैंप और स्पेल फैक्ट्री। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे आपको आगे फाइट करनी है। आर्मी कैंप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये आर्मी की काउंटिंग बढ़ाएगा। लैब इसलिए क्योंकि आपके ट्रूप्स के लेवल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक बार लैब आपने कर दी ना अपग्रेड तो वो आपके छठे, बोलते नहीं, एक तरीके से आपके छठे बिल्डर की तरह काम करता है कि वो अपना अलग चलता रहता है, उसको बाकी उसे कुछ लेना देना नहीं। और स्पेल फैक्ट्री इसलिए क्योंकि आपकी स्पेल की एक स्पेस बढ़ती है और आपका एक स्पेल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है। और इसमें एक छोटी सी मैं टिप ऐड करना चाहूँगा, आप मास्टर टिप बोल सकते हो उसको, स्पेल फैक्ट्री पे या तो आप बिल्डर पोशन लगा दो कि 2-3 बिल्डर पोशन आपके पड़े हैं तो लगा दो, जिससे आपको ईजी हो जाए, या तो आप स्पेल फैक्ट्री पे बुक ऑफ बिल्डिंग यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको जो भी 3-4-5 दिन होता है उसमें डिफिकल्टी ना आए, क्योंकि उसमें आपको वॉर्स भी लड़नी है और उसमें आपको अटैक्स भी करने हैं, ठीक है। एक छोटी सी टिप थी इसके लिए। जो दूसरी टिप आती है वो आती है आपके बैरक्स और सीसी के ऊपर। जैसे ही आपका ये प्रोसीजर पूरा हो जाए, क्योंकि सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे टिप्स, सबसे आप देखो आपने बाकी चीजें अपग्रेडिंग पे लगा दी, वो अपग्रेड हो गई। जो दूसरा स्टेप आएगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको लगाना है बैरक्स और सीसी अपना। तो आपको क्या करना है, जो आपके बैरक्स बचे हैं उसको लगा दो, अपने सीसी को लगा दो, लैब के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको होने दो, ठीक है। तो आपने अपने बैरक्स कर रहे हो और सीसी कर रहे हो, उसमें आपका टाइम निकल जाएगा कभी 3-4-5-6 दिन, जो भी जितने भी लगते हैं आपको वो लग जाएगा। उसके बाद में आपका जो तीसरा पॉइंट आएगा, वो तीसरे में आप कैसे जाओगे कि आपको उसके बाद अपने डिफेंसेस और जो वॉल्स हैं वो साथ में करनी है। ये ट्रिक है। जैसे आपने अपने आर्चर टावर लगाया, ठीक है, आपने जैसे अपना आर्चर टावर लगा दिया, आर्चर टावर लगाने के बाद में आपके पास एक या दो वॉल्स कर अपग्रेड करने का बच गया पैसा, ठीक है, या तो कॉइन हो गया या तो एलेक्जियर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आप लूट करते हो तो आपने कॉइन से तो आपने लगा दिया अपना डिफेंस, लेकिन आपने एलेक्जियर से लगा दी वॉल, तो आपका डिफेंस और वॉल दोनों साथ में होता रहेगा, ठीक है। ये आपकी तीसरी टिप है। अब चौथी टिप पे आते हैं कि चौथी टिप पे आपको क्या करना है, जैसे आपका डिफेंसेस पूरा अपग्रेड हो गया, फुल अपग्रेडेड डिफेंसेस आपका और वॉल्स थोड़े बहुत रह गए, तो उसमें अब आपको क्या करना है, अपना हीरोज और ट्रैप्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे ही आपके देखो वॉल्स बच रही है, ठीक है, वॉल्स ऑलमोस्ट आधी रह गई हैं और आपके पास आपके ट्रैप्स और हीरोज बच रहे हैं, अब आपको क्या करना है, दो बिल्डर्स आपको अपने हीरोज पे डेडिकेट कर देने हैं। एक तो आपको, जैसे अगर आप टाउन हॉल 9 पे अपग्रेड हो चुके हो तो आपके पास आर्चर क्वीन और बारबेरियन के लिए छोड़ दोगे, अगर आपके पास एक है तो आप एक उस बारबेरियन के लिए छोड़ दो, कि जब भी आपको, जब भी आप रेड मार रहे हो, जब भी आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद में आपको इस जो ये आपका बिल्डर है बारबेरियन किंग के लिए ही है और ये क्वीन के लिए, जब तक ये फुल अपग्रेड नहीं हो जाते, ठीक है। उसके साथ साथ में आपके जो तीन बाकी बचेंगे, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास 5 बिल्डर्स हैं, अगर मैं 4 एज्यूम करके चलूँ तो आपके पास उसके बाद 2 बिल्डर्स बचेंगे, उसमें आप ट्रैप्स लगाते रहो अपने धीरे धीरे करके, ठीक है। और जैसे ही ट्रैप्स पूरे होंगे आपके पास जो पैसा बचेगा एलेक्जियर में, एलेक्जियर को आप लगा दो अपने वॉल्स के अंदर, तो ऐसे करते रहेंगे तो आपकी वॉल्स भी कंप्लीट होती रहेंगी और हीरोज भी, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है काफ़ी, हीरोज वाला बड़ा काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, आपने ये सब कुछ कर लिया, ये सारा अपग्रेड हो गया, उसके बाद में जो एंड आता है, एंड के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने कलेक्टर्स को कर सकते हो, कलेक्टर को अगर आपने अपने अपग्रेडिंग पे लगा दिए, आप या आपने सब कुछ कर लिया, पांचवा पॉइंट आता है कि आपको अब एंड में लगा रहे हैं अपने कलेक्टर और टाउन हॉल, ठीक है। अब इसके बाद में आप सारे अपने कलेक्टर्स लगा दो, आपके 4 बिल्डर्स हैं, 5 बिल्डर्स जो भी हैं, सारे कलेक्टर्स पे लगा दो, ठीक है। अगर इस बीच में आपके हीरोज नहीं हुए, सर मान लो वॉल्स पूरी हो गई, ट्रैप्स पूरी हो गए, लेकिन हीरोज नहीं हुए आपके, तो आप अपने अभी भी 2 बिल्डर्स को हीरोज पे रखो, बाकी आप कलेक्टर्स पे धीरे धीरे करके लगाते रहो, कलेक्टर्स पे लगाते रहो। इससे क्या होगा, आपके जब तक कलेक्टर्स पूरे होंगे तब तक आपके हीरोज कंप्लीट हो ही जाएंगे। अगर एंड में मान लो कि अगर आपके हीरोज तब भी नहीं हुए, आपका पूरा फुल अपग्रेडेड हो गया, तो मुश्किल से कितना 5-6-7 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आप वेट कर लो, उसके हिसाब से आप टाउन हॉल देख लो, कि जैसे आपको 7 दिन लग रहे हैं टाउन हॉल को होने में, तो आप देख लो कि 7 दिन के अंदर मेरे हीरोज फुल अपग्रेड हो जाएंगे, तो टाउन हॉल लगा दो और अपना हीरोज कर दो, काम खत्म हो गया।
जैसे ही आपने टाउन हॉल वापस अपग्रेड हुआ, जैसे आपका टाउन हॉल 8 था 9 पे आया, वैसे वापस सेम प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इससे क्या होगा पता है, इससे आपका देखो बहुत चीज़ों की चीज़ें चेंज होंगी। पहली चीज़ तो आपका जितना भी रश्ड बेस है वो रश्ड नहीं रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप छोटे से बड़े पे जा रहे हो ना, तो जैसे आपको पता होगा कि टाउन हॉल 6 होता है, अगर वो 9 पे अटैक करता है या 8 पे जैसे लूट के लिए, तो उसको लूट ज़्यादा मिलती है। अगर आप स्टार्टिंग से ही है ना एकदम से अपने आप को 10 पे पहुँचाए तो, और आपके डिफेंसेस वही 6-7 के बराबर हैं, तो आपको लूट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और है ना आपके डिफेंसेस भी कमज़ोर है तो, और आप आगे जाकर बूस्ट भी नहीं कर पाओगे अपने ट्रॉफीज़ को, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए बोलते हैं अपना जो बेस है बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत टिप्स थी जो बिगनर्स के लिए हैं, कि आप लोगों को समझ आए कि आपको किस प्रोसेस से करना है। मैं वापस से आपको सारा सा दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले आपको स्पेयर फैक्ट्री लैब आर्मी कैंप करना है, उसके बाद में आपको अपने वॉर सीसी और बैरैक्स करने हैं, उसके बाद में आपको अपने डिफेंसेस और वॉल्स करने हैं, उसके बाद में आपको अपने हीरोज और ट्रैप्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने कलेक्टर्स करने हैं, चाहो तो उसके साथ साथ में अपने हीरोज भी लगा के रखो। एंड के अंदर आपको, अगर आपके हीरोज नहीं हुए तो हीरोज और आपको टाउन हॉल अपना लगाना है। इस प्रोसेस से आप पूरा का पूरा चलोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बेस कभी भी रश नहीं रहेगा, फुल टू ऑन गजब बेस हो जाएगा और कुत्ता बना दोगे सामने वाले को, ये शर्त लगाता हूँ। सो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ जो बिगनर्स के लिए ही है। जैसे कभी कभार क्या होता है आपके पास में, कि मतलब आपके पास जैसे मान लो गोल्ड बहुत, आपके एलेक्जियर बहुत ज़्यादा है या डार्क एलेक्जियर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर मैंने देखो ड्रैगन बना रखे हैं, अब मैं ड्रैगन्स को और रख दूंगा तो ये एलेक्जियर सारा यहाँ से चला गया और आपने इसको फुल कर दिया, तो एक छोटी सी एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है आपके पास अपग्रेड करने के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये फुल हो गया, अब आप किसी को भी चाहो तो, जैसे मान लो इसको मैंने अपग्रेड कर देता मैं, ठीक है, अपग्रेड कर दिया, उसके बाद आप चाहो तो इसको हटा दोगे, तो वो एलेक्जियर आपके पास वापस आ गया। पूरा का पूरा देखोगे ना, आपके पास वो एलेक्जियर वापस आ गया, यहाँ पर वापस आ गया। तो एक छोटा सा ये टिप है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है, कभी कभार ये यूज़ आ जाती है। जैसे कभी कभार आप किस चीज़ को अपग्रेड कर रहे हो, दो चीज़ों को आपको अपग्रेड करनी है, 100-200 एलेक्जियर का फर्क पड़ जाता है, तब आपको वापस अटैक करना पड़ता है या आपको वेट करना पड़ता है कलेक्टर्स का, जिसके कलेक्टर ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं होते। तो ये छोटी सी टिप है, चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देख सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना, बाकी और वीडियोस आ रही हैं, देखते रहना। सो टिल देन, प्ले क्लैश ऑफ क्लैंस एंड पीस आउट, बाय।